नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। सादुल्ला नगर में आदर्श श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित रामलीला में आज अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अहंकारी अत्याचारी रावण का नाश कर 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे। भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं माताओं सहित सभी अयोध्या वासियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके उपरांत गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज तिलक कर राज्य अभिषेक किया गया। पूरा पंडाल श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे से सभी नगर वासियों और क्षेत्र वासियों का मन प्रफुल्लित हो गया। इस अवसर पर श्री राम लीला समिति के अध्यक्ष रमेश चंद तिवारी जी ने भगवान राम को तिलक लगाकर आरती पूजन किया और अपने उद्बोधन में राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका के साथ किया और उन्होंने सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक की ढेर सारी बधाइयां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान अध्यापक श्री शिव कुमार सक्सेना ने कहा कि हमें भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर गुमा फातिमा जौद के प्रधान व रामलीला के अनुभवी रमेश गुप्ता एवं अवधेश गुप्ता ने पुनः बाजार के ही कलाकारों द्वारा एक बार फिर से रामलीला मंचन का सुझाव दिया, जिस पर सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन विष्णु गुप्ता ने किया। रामलीला कमेटी के महामंत्री दीपचंद जायसवाल ने रामलीला मंचन के सभी कलाकारों को माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र पहना कर उनका सम्मान किया। साथ ही रामलीला व दुर्गा पूजा सम्पन्न कराने में दिन रात मेहनत करने वाले सभी सदस्यों का नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहना कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में मिष्ठान एवं लड्डू इत्यादि का वितरण किया गया। इस पुनीत अवसर पर बाजार के तमाम सम्भ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। इसमें रमेश चंद तिवारी, शिव कुमार सक्सेना, बहराची प्रसाद गुप्ता, दीपचंद जायसवाल, जय प्रसाद गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, अवधेश कुमार गुप्ता, विष्णु गुप्ता, राम रोडन गुप्ता, सुमेश गुप्ता, नीलेश गुप्ता, बजरंगी यादव, रजन गुप्ता, जवाहर मोदनवाल, पंडित दद्धन मिश्रा, संतोष गुप्ता, बबलू गुप्ता, कल्लू गुप्ता, विनय गुप्ता, सुनील गुप्ता, गामा भारती सहित हजारों भक्तजन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद तिवारी ने रामलीला मंचन के कलाकारों का उत्साहवर्धन किया व आए हुए सभी श्रद्धालुओं सहित स्थानीय शासन प्रशासन का शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा एवं रामलीला सम्पन्न करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।